अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माइनस फूड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ ग्वार फली और बहुत अच्छी बनती है। इसके लिए ग्वार मैंने ले ली थी, ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। इसके साइड से जो है छीलते हैं इसको ना, तो वो मैंने छील कर उसका जो धागा टाइप निकलता है वो निकाल के और इस तरह से इसको कटिंग कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लिए और 2 बड़े टमाटर लिए। टमाटर इसमें शामिल करते हैं तो अच्छा मसाला बनता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है, सेम फली में भी और ग्वार फली में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल मैंने 1/2 कप से भी कम लिया है और जो सालन वाला चमचा होता है तकरीबन वो 2 चमचे लिए हैं। और इसमें मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले प्याज शामिल कर दिए, प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज देखें हल्की हल्की ब्राउन होने शुरू हो गई है, तो इसमें मैं 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और थोड़ा जल्दी इसलिए शामिल कर रही हूँ कि जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट को मैं भूनूंगी तो हमारी प्याज भी ब्राउन हो जाएगी। तो इसमें ये मैंने 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको इस तरह से मिक्स करके थोड़ा सा इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन की, तो फिर इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। अदरक लहसुन के साथ जो है प्याज हमारी मिक्स हुई, उसको भून लिया तो ब्राउन भी हो गई हमारी प्याज और अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो गई। अब इसमें मैं सारे टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटरों को मिक्स कर लिया है, फ्लेम को थोड़ा हल्का कर दूँगी और इसमें जो है अब मसाले शामिल करूँगी। तो सबसे पहले जो है कुटी मिर्च शामिल करूँगी 1 चमचा भर के। आप अगर कम खाते हैं तो 1/2 चमचा शामिल कर लीजिएगा 1.5 पाव फली में। मैं जो है इसमें 1 चमचा भर के शामिल कर रही हूँ और 1/2 चमचे से भी कम जो है थोड़ी सी हल्दी शामिल कर रही हूँ और नमक शामिल कर रही हूँ हसबे ज़ायका। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक शामिल कीजिएगा। बस इसको अच्छा सा अब भूनूंगी, टमाटर बिल्कुल घुल जाएंगे तो फिर उसके बाद इसमें मैं आलू शामिल करूंगी। आलू भी शामिल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्किप कर दीजिएगा आलू, मैं जो है बच्चों की वजह से इसमें शामिल कर रही हूँ। और आप चाहें तो विदाउट आलू के भी सब्ज़ी को बना सकते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें आलू शामिल कर रही हूँ। आलू मिक्स करके और इसमें 1/2 कप पानी शामिल करके लिड लगा के इसको मैं आलू जब गल जाएंगे जब तक के लिए इसको दरमियानी फ्लेम पर जो है पकने के लिए रख दूँगी। जब थोड़ी सी कसर रह जाएगी आलूओं में तो फिर इसमें फली शामिल कर देंगे। ग्वार फली जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए हम जब हमारे आलू बस हल्की सी कसर रह जाएगी तो जब हम फली को इसमें शामिल करेंगे। आलू गल गए हैं, हल्की सी कसर रह गई है और थोड़ा सा ही पानी रह गया है। अब हम इस टाइम पर जो है अपनी ग्वार फलियाँ शामिल कर देंगे ताकि पानी इसी पानी में जो है हमारी ग्वार फली भी गल जाएगी और ये पानी सारा ड्राई हो जाएगा। तो सारी फलियाँ इसमें शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको, मिक्स करके फिर लिड लगा के दरमियाने आँच पर जो है इसको पकने के लिए रख दूँगी। और बहुत जल्दी जो है ये फलियाँ जो है वो पक जाती हैं, बस इसी पानी के अंदर ये पक जाएंगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मज़ेदार ग्वार फली तैयार है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।